students today we are covering the fourth portion of transport layer that is user data graph protocol so we will cover introduction to UDP then RPC that is remote procedure call and then RTP that is real-time transport protocol so first we will see what is a udp that is udp stands for user datagram protocol okay so basically we know that we have two kind of protocols tcp and udp at transport layer right and one is uh, what is the difference between two uh, one is the connection oriented protocol that is tcp and another one that is udp is a connection less protocol Okay, this is the main dis difference between TCP and UDP. Uh, UDP is uh, less reliable because it is connectionless. So, the internal internet protocol suit supports a connectionless transport protocol called UDP. UDP provides a way for applications to send. स इसमें कोई भी कनेक्शन स्टेबलाइज नहीं होता है जो भी डेटाग्राम जो भी डेटा पैकेट सेंड करना होता है उसको सेंड कर देंगे और ये मान के चलते हैं कि ठीक है डेटाग्राम वहां पहुंच जाएगा अगर नहीं भी पहुंचा या कोई पैकेट मिस भी हो गया तो इट्स ओके मीन्स ये लेस रिलायबल वाली कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं बट जब ऐसा है कि हमारा हमने जो भी डेटा सेंड किया वो पहुंचना ही चाहिए एट दैट केस आप इसको यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये रिलायबल नहीं है इस केस में हमको क्या यूज करना पड़ेगा कनेक्शन ओरिएंटेड है, जो हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल है दैट इज टीसी वो हमको यूज करना पड़ेगा उसमें श्योरिटी है कि आपने जो डेटा पैकेट भेजा है वो मिलेगा अगर नहीं भी मिला तो आपको पता पड़ेगा कि एक्नोलॉजमेंट नहीं आया तो यू विल रिसेंट तो ये टीसीपी और यूडीपी में बेसिकली डिफरेंस है यूडीपी का अभी हम यूडीपी कवर कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में हम टीसीपी कवर करेंगे यूडीपीडर इज ऑफ थर्टी क्या क्या पार्ट होते हैं उसमें क्या क्या फिल्ड uh, uh, होते हैं अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज रियल सॉरी रिमोट प्रोसीजर कॉल वट इज आर पी सी अगर हमको कोई मैसेज सेंड करना है रिमोट होस्ट को ठीक है क्या प्रोसेस होता है किस तरह से प्रोसेजर की कॉलिंग होती है दैट इज नोन एज रिमोट प्रोसीजर कॉल सो इन अ सर्टेन सेंस सेंडिंग अ मैसेज टू अ रिमोट होस्ट एंड गेटिंग

to call a remote procedure the client program must be bound with a small library procedure called the client stub तो क्लाइंट ke साइड पे एक होता है क्लाइंट stub ठीक है और सर्वर प्रोग्राम बाउंडेड होता है एक सर्वर स्टेप से यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे क्लाइंट फर्स्ट स्टेप यहाँ पे नंबरिंग दी है फर्स्ट स्टेप में क्लाइंट कम्युनिकेट करता है क्लाइंट स्टेप से क्लाइंट स्टेप पैकेजिंग करता है मार्शलिंग करता है पैरामीटर्स की एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट साइड पे क्लाइंट साइड वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करता है सर्वर साइड वाले ऑपरेटिंग सिस्टम से फिर मैसेज पास होता है सर्वर साइड पे सर्वर स्टेप को एंड देन सर्वर स्टेप उसकी अनमार्शलिंग करता है यहाँ पे हुई मार्शलिंग एंड यहाँ हुआ अनमार्शलिंग और फिर मैसेज मिलता है सर्वर को कैसे अब देखते हैं स्टेप वन इज द क्लाइंट कॉलिंग द क्लाइंट स्टेप यहाँ पे क्लाइंट कॉलिंग द क्लाइंट स्टेप दिस कॉल दिस कॉल इज लोकल प्रोसीजर कॉल विद द पैरामीटर पुस्ट ऑन टू द स्टेक इनल पहली स्टेप में क्या हुआ क्लाइंट ने क्लाइंट स्टेप को कॉल किया लोकल फंक्शन कॉलिंग या लोकल प्रोसीजर कॉलिंग की तरफ सेकेंड स्टेप में द्लाइंट स्टेप स्टप पैकिंग द पैरामीटर इन टू अज एंड मेकिंगल्ड टू सेंड द मैसेज पैकिंग द पैरामीटर इज कोल्ड मार्शलिंग ओके सो क्लाइंट स्टब ने यहाँ पे एक मैसेज में पैरामीटर्स बाउंड किए या पैक किए उसको हम कह रहे हैं मार्शलिंग तो मार्शलिंग हुई क्लाइंट स्टब पे ठीक है स्टेप इज ऑपरेटिंग सिस्टम सेंडिंग द मैसेज फ्रॉम द क्लाइंट मशीन टू सर्वर मशीन तो यहाँ पे अब स्टेप थ्री में क्या हुआ क्लाइंट मशीन वाले इसे क्लाइंट मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्वर मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम तक मैसेज सेंड हुआ स्टेप थ्री इज कवर्ड

कौन सर्वर स्टेप स्टेप तो इसको कहेंगे अनमार्शलिंग द सर्वर स्टेप कॉलिंग द सर्वर प्रोसीजर अनमार्शल्ड पैरामीटर द रिप्लाई ट्रेसेज अब ये तो हुआ आपने यहाँ से क्लाइंट से सर्वर तक कोई मैसेज सेंड किया है ठीक है और अब जब रिवर्स सप्लाई आएगा सर्वर का क्लाइंट के लिए तो भी इसका रिवर्स प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा तो ये होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल रिमोट प्रोसीजर कॉल कब होगा जब रिमोट होस्ट से आपको कम्युनिकेट करना हो क्लाइंट को रिमोट होस्ट दैट इज सर्वर से कम्युनिकेट करना है तो क्या क्या स्टेप्स होगी वो हम देख रहे रिमोट प्रोसीजर कॉल में ये एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है यहाँ से क्वेश्चन उठता है ठीक है एक क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट है रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल क्लाइंट सर्वर आरपीसी इज वन एरिया इन विच यूडीपी वाइडली यूज यूडीपी की एक एप्लीकेशन तो क्या हो गई रिमोट प्रोसीजर एप्लीकेशन आर टी पी रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल ये दोनों हम यूडीपी के एज एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ठीक है अब है रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल तो पहला डायग्राम जो शो कर रहा है द पोजिशन ऑफ आर टी पी इन द प्रोटोकॉल स्टेप ठीक है nesting. ऑफ है ये हम अभी देखेंगे बस अभी यहां पे देख लेना कि check, दो पार्ट में डिवाइडेड है फर्स्ट इज यूजर स्पेस एंड सेकेंड वन इज कर्नल स्पेस ठीक है और जो आर टी पी की पोजिशन है वो कहाँ पे है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के जस्ट नीचे और यूडीपी के ऊपर ठीक है और सिमिलरली यहाँ पे पैकेट की नेस्टिंग भी हम देखेंगे एक बार देखते हैं आगे क्या आर टीपी नॉर्मली रन इन यूजर स्पेस स्पेसर यूडीपी सी आर टीपी नॉर्मल रन इन यूजर स्पेस यहाँ दिख रहा है आर टी पी यूजर स्पेस में है और ओवर यूटीपी ओके इट ऑपरेट एज फोलो फर्स्ट स्टेप द मल्टी मीडिया एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑडियो वीडियो टेक्स्ट एंड पॉसिबली अदर स्ट्रीम्स These are fed into the RTP library, which is in user space along with the application. So multimedia applications ko ka rakha, hai? Kahan, uh, rakha hai? RTP library mein along with the application. First step. Ye hua. Second, this library multiplexes the streams and encodes them in RTP packets, which is stuffed into a socket. Which it stuffs into a socket. The library multiplexes the streams and encodes them in RTP packets. सॉकेट इंटरफेस पे उनको विच इज विच इट इज इंटू अट फाइन नेक्स्ट स्टेप में ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम साइड ऑफ द सॉकेट ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम ये ओ एस करनाल वाली साइड है ऑफ सॉकेट सट की ऑपरेटिंग सिस्टम वाली साइड ये नीचे वाली ठीक है ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम साइड ऑफ सॉकेट यूडीपी पैकेट आर जनरेटेड टू रैप दर आरटीपी पैकेट आरटीपी पैकेट्स को रैप करने के लिए यूडीपी पैकेट्स जनरेट हुए एंड हैंडेड टू आई फॉर ट्रांसमिशन ओवरऑल लिंक यूडीपी पैकेट्स को रैप आर टीपी को रैप किया यूडीपी के थ्रू और फिर इसने किसको हैंडओवर हैंड ओवर किया आर पैकेट्स को आईपी को क्यों किया क्योंकि ट्रांसमिट कर पाए पायाट के थ्रू तो यहाँ पे ऑन साइड ऑफ दाइड UDP पैकेट्स आर जनरेटेड टू रैप आर पैकेट पैकेट हैंडेड टू आई पी फॉर ट्रांसमिशन ओवर एज इधरनेट एंड प्रोसेस एट द रिसीवर तो अब देखते हैं क्या हुआ आर टीपी हमेशा यूजर स्पेस में रन हो रहा है अलोंग विद मल्टी मीडिया मल्टी मीडिया एप्लीकेशन मल्टी मीडिया लाइक ऑडियो वीडियो एक्सेट्रा बाउंडेड है एप्लीकेशन के साथ ठीक है आरटीपी के साथ प्लेस है यूजर स्पेस में फिर सॉकेट uh, की और ये किसमें इट इज स्टफ टू सॉकेट नाउ ओएस साइड में क्या हो रहा है जो आर पैकेट्स पैकेट है उनको रैपअप करने के लिए यूडीपी पैकेट्स यूज हो रहे हैं रैप करने के बाद उनको फॉरवर्ड किया है आईपी को और आईपी ने उसको कहाँ ट्रांसमिट किया है इंटरनेट में और रिवर्स प्रोसीजर भी रिवर्स रिसीवर साइड पे क्या चलता है इसका रिवर्स प्रोसीजर फाइन नाउ द बेसिक फंक्शन ऑफ आर इज टू मल्टीप्लेक्स सेवरल रियल टाइम डेटा स्ट्रीम्स ऑन टू सिंगल स्ट्रीम ऑफ यूडीपी रियल टाइम ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि जब भी रियल टाइम डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो वो क्या करेगा मल्टीपल रियल टाइम डेटा स्ट्रीम्स को एक सिंगल यूडीपी में स्टोर uh, कर लेगा सिंगल यूडीपी पैकेट में स्टोर कर लेगा मल्टीप्लेक्स करके सिंगल यूडीपी पैकेट में स्टोर कर लेगा द यूडीपी स्ट्रीम यूडीपी स्ट्रीम्स कैन बी सेंट टू सिंगल डेस्टिनेशन UDP stream can be sent to a single destination, unicasting, okay? Or to multiple. तो so, अब जब RTP के multiple slots को multiplex करके UDP packet में store किया, अब UDP या तो one to one transmit कर सकता है, one to one transmit, transmission को क्या कहते हैं? Unicasting. और हो सकता है वो one to many transmission करे या one to many means multiple destination है, तो उसको कहेंगे हम, multicasting. तो uh, unicasting भी possible है, multicasting भी. अब आर जो है रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल उसका हेडर कैसा दिखता है उसका हेडर की लेंथ है 32 bit और उसके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है और अब हमको हर फील्ड का वर्क पढ़ना है ठीक तो, uh, है है तो वी फर्स्ट फील्ड वर्जन ठीक है अब वर्जन एज वी नो कि ये क्या करेगा आर के कौन सा वर्जन पे वर्क कर रहा है वर्जन शो करता है तो उसको एक्सप्लेन नहीं किया है लिखा नहीं है नेक्स्ट फील्ड है पी वर्जन के बाद है पी

the x bit indicates that an extension header is present agar x bit set hai set hai matlab x bit ki value 1 hai to extension header present hai x bit ki value agar 0 hai to extension header present nahi hai to x bit single bit hai ye 1 aur 0 dono ho sakti hai uske upar dependent hai ki extension header hai ya nahi hai next is cc field cc bit show karta hai contributing sources ko the cc field tells how many contributing sources are present

ठीक है नेक्स्ट है एम फील्ड द एम बिट इज एन एप्लीकेशन स्पेसिफिक मार्कर बिट इट कैन बी यूज टू मार्क द स्टार्ट ऑफ अ वीडियो फ्रेम वीडियो फ्रेम की स्टार्टिंग शो करने करने के लिए, uh, mark करने के लिए लिए मार्क यूज आती है द स्टार्ट ऑफ अ वर्ड इन अ ऑडियो चैनल मतलब किसी भी चीज के अगर वीडियो है तो उसके स्टार्ट बिट का टाइम कि इट कैन बी यूज टू मार्क द स्टार्ट ऑफ वीडियो फ्रेम स्टार्ट ऑफ अ ऑडियो चैनल और समथिंग एल्स दैट एप्लीकेशन अंडरस्टैंड ये क्या करेगा कहां से स्टार्ट हो रहा है वीडियो या अगर ऑडियो है तो कहां से स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन उसके लिए शो उसको शो करने के लिए एमबिट यूज करते हैं नेक्स्ट है पेलोड टाइप द पेलोड टाइप फील्ड टेल्स विच एनकोडिंग एलगोरिदम हैज बिन यूज कौन सा एनकोडिंग एल्गोरिदम यूज हुआ है एग्जाम्पल अनकम्प्रेस एडबिट ऑडियो एमपे थ्री तो एनकोडिंग एल्गोरिदम को शो करने के लिए यूज हो रहा है पेलोड फील्ड

यूडीपी का इंट्रो जो बहुत बेसिक था ये आपको बुक से कवर करना पड़ेगा नेक्स्ट वन इज आर पी सी रिमोट प्रोसीजर कॉल इज एन इम्पोर्टेंट वन एंड देन आर टी पी देट इज रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल और फिर हमने इसका हेडर देखा ठीक है आज के लिए इतना काफी है नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे का कवर कराऊंगा